लगता है ये लोग उस जगह पहुंच गए जहां मुझे मारने वाले हैं। हे भगवान, मुझे बचा लीजिए, वरना वो काव्या की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे उसे वरुण से बचाना है। मैं ना बेहोश होने की एक्टिंग करती हूँ, शायद बचने का कोई रास्ता मिल जाए। ये तो अभी तक बेहोश है। तो अच्छा है ना, कम से कम हमारा काम आसान हो गया। चल इसे बाहर निकालते हैं और फैक्ट्री में ले जाके इसका मार देंगे। अभी मर गए। क्या हुआ? पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है। वे कौन है उधर? इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। क्या बे, दोनों इधर क्या पिकनिक पे आए हो? नहीं सर, वो बस लेकर रहे थे सर। फिर इतनी रात को इस सुनसान जगह पे क्या कर रहे हो? अरे सर, बस हम लोग को बस कर क्या है। सर वो लॉन्ग ड्राइव पे आए थे सर, रास्ता भूल गए थे सर, बस 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 लेकर रहे सर। लॉन्ग ड्राइव पे, वो भी फैक्ट्री के बाहर? गाड़ी की तलाशी लेने चलो। डिक्की खोलो सर। सर बस निकल रहे हैं सर, निकल जाएंगे सर। बस गाड़ी में कुछ है नहीं ना? नहीं है। तो डर क्यों रहे? बस निकल जाएंगे सर, बस दो मिनट सर। हाँ बस निकल ही रहे। तो पहले मुझे देखना तो दो। चलो डिक्की खोलो। चल साहब ने बोला ना। अबे डिक्की खोलो। चल चलो, चल डिक्की खोल। है ही नहीं। चल सर, कुछ भी सर, कुछ भी नहीं है सर। बोलो की। साहब डिक्की में तो कुछ भी नहीं है। कहा था ना सर, कुछ भी नहीं है। अरे आजकल के लड़के लोग भी ना बनकर। और तुम दोनों लोग जल्दी यहां से निकल जाओ। हाँ सर, बस निकल ही रहे। निकलते सर। चलो निकल। कहाँ गई लड़की? अगर लड़की नहीं दिखी ना तो बॉस हमें यही मार देगा, समझा? वही देखना है। देख यहीं कहीं होगी वो। तू उधर खोज, मैं इधर खोजता हूं। भैया भैया, आप मेरी मेरी छोटी सी हेल्प कर दीजिए। मुझे अपना फोन दे दीजिए, मुझे एक इमरजेंसी कॉल लगाना है। प्लीज भैया, प्लीज दे दीजिए, प्लीज प्लीज। थैंक यू। अनोन नंबर से फोन। हेलो 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 पलकी, देखो तुम और प्रीता जी मिलकर काव्य और उसकी फैमिली को वरुण का सारा सच बता दो। अब लेकिन तुम कहाँ हो? पलकी मैं जहां भी हूँ सेफ हूँ। मैं बस इसलिए तुम दोनों को कॉल कर रही थी जिससे तुम दोनों टेंशन ना लो। पलकी मैं ना थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो रही हूँ जिससे वरुण और उसके आदमी मेरे तक नहीं पहुँच पाए। वरुण मुझे मारने वाला था, तब मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागकर आई हूँ। पलकी एक बात ध्यान से सुनो, वरुण और उसके आदमियों पर किसी भी बात पर विश्वास मत करना। वरुण बहुत बड़ा हैवान है, वो इंसान नहीं है। उसने ना जाने कितने गुंडे मेरे पीछे मुझे मारने के लिए लगा रखे हैं। ठीक है आलिया, बस तुम इतना बताओ कि तुम हो कहाँ? हम लोग कभी आते हैं वहाँ? नहीं पलकी, तुम बिल्कुल भी मत आना। मैं बस कोई भी सेफ जगह देखकर वहां पर छुप जाऊंगी। देखो
प्लीज काव्या को बचा लो। उस वरुण ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, वो काव्या की भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसकी जिंदगी बर्बाद होने से रोक लो प्लीज।